الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون تے او بندہ جڑا حق لے کے آیا تے جنے اوندی تصدیق کیتی او سارے اللہ دے کولوں ڈرن والے نے تے سارے متقی تے پرہیزگار نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے
बेशमार अनगिनत दुरूदो सलाम सैयद अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते। दोस्तो बुजुर्गो भाइयो, मैं गुनहगार ने कुरान पाक दी कायत मुबारक पढ़ी है। अल्लाह मालिक के दुआ है अल्लाह सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और मैनू और तुसानू अल्लाह सबना नू सुन सना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आज ना वो दिन जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को ताला अनहुम सारी कह दो रजी अल्लाह को ताला अनहुम इस दुनिया फानी नू छड़ के अपने अल्लाह को चले गए, यानी 22 तारीख जमादी शानी दी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने अल्लाह को चले गए। दुआ करो अल्लाह हजरत अबू बकर उत्ते करोड़ा रहमतां दे नज़ूल फरमाए। दोस्तों इसे नस्बत नाल दिल चाहता थोड़े सामने नबी अली सलाम दे पहले यार और पहले मुसलमान खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को ताला अनहु उन्हां दी सीरत बयान करा। दुआ करो अल्लाह पाक हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। कौन सिद्दीक? मेरे नबी दा प्यारा सिद्दीक, आप दा महबूब सिद्दीक हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह को ताला अनहु बयान करते ने। मैं शरीयत तो वापस आया, मस्जिद नबी के अंदर चला गया, आमीना दे लाल बैठे ने, ते मैं नबी पाक नाल बातां करन लग पिया। मैं क्या सोने तुहानू सब तो ज्यादा किंदे नाल प्यार है? आप फरमांदे ने सुन लै, मैनू सब तो ज्यादा प्यार है ते मेरी ऐशा नाल प्यार है। नबी पाक फरमा रहे ने, सहाबा बैठे ने, सरकार कह रहे मैनू सब तो ज्यादा मुहब्बत ऐशा दे नाल, सब तो ज्यादा प्यार ऐशा दे नाल। और माशरा केड़ा जिथे औरत नू कुछ समझिया ही नहीं जाता, जिथे औरत नू जुत्ती नाल भी भैड़ा समझिया जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह, नबी पाक फरमांदे ने मैनू मेरी ऐशा नाल प्यार है। हजरत अमर बिन आस कह लगे सोने मर्दा विचों आप फरमांदे ने अबू हाम सुन लें मैनू ऐशा तो बाद सब तो ज्यादा कोई प्यारा लगता है अबू बकर सिद्दीक प्यारा लगता है। हजरत अबू बकर नबी पाक सलम दे आप अली सलाम दे सुसर भी और नबी पाक सलम दे न सफर ते हदर दे साथी आप अली सलाम तो सलाम दे न रहन वाले, बल्कि बाद तफसीर वाले लिखे जदो नबी पाक मेराज वाली रात गए न और सिदरातुल मुंतहा दे उत्ते हजरत जबरील कहंदे ने छोड़े हम मैं अगे नहीं जा सकदा, मेरे पर जल जाएंगे। आपने आके न जमीन से अपने यारां जो बह के गल की, सिद्दीक कहन लगे छोड़े हम जबरील छड़ गया थी पर मैं हुंदा ते मैं कदी भी तुहानू कल्ला ना छड़दा। ए सिद्दीक और अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा फरमाया और बारहा मुकाम से अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ी जा बिसिद्दिकी वसद्दका बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। दुनिया दे लोगों सुन लो, ओ मेरा नबी जदो हक लैके आया ना वल्लज़ी जा बिसिद्दिकी सच लैके आ गया अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हन करके कोई सफा ते चढ़ के ऐलान कर दिते लोगों मैं अल्लाह दा नबी बन के आ गया वा। इस तो पहले अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए, नबी पाक अली सलाम
सलाम से जो वही ना दलोई नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तजारत की गरज के नाल यमन के अंदर गए सन वापस आए नाम अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ने मैं पहलो ही दीन लभता प्याशा मैं पहलो ही सलाम लभता प्याशा अबू बकर कहते ने मैं जिंदगी के अंदर कदी बुत के सामने सजदा नहीं किया ना बोती पूजा नहीं की ना बयान करते ने एक दिन मेरा वालिद मैनू जबरदस्ती लै गया नाम अबू कुहाफा हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला वालिद का नाम उस्मान अबू बकर की कुनियत अबू बकर वालिद की कुनियत हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह को ताला कुमाम और कौन सिद्दीक जिंदियां चार नस्लां सहाबा दे अंदर ने बाप भी सहाबी हजरत अबू बकर दे बाप उस्मान बिन आमर भी सहाबी हजरत अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान भी सहाबी हजरत अबू बकर दे बेटे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर भी सहाबी और कौन सहाबी अब्दुल रहमान दा बेटा मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान ये भी सहाबी जिंदियां चार पुश्तां अल्लाह ने सहाबा बना दिता है उन्होंने सद्दीक अकबर क्या जानता है चार पुश्तां सहाबा अल्लाह उन्हें ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए कहते मैं दीन नू ना पहले ही लभदा पिया सां मैं कहते बैतुल्ला दे अंदर मेरे बाप ने मैं कदी गैरुल्ला नू पूजा नहीं की ते मेरा बाप जबरदस्ती मैनू लै गया कहिंदा ओए अब्दुल्ला आना अज मैं तैनू बुतखाना विखा के लियावां हजरत अब्दुल्ला नू डंडे दे नाल लै गया हजरत अबू बकर नू लै गया ना अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर कहते ने मैं खड़ो के वेखदा रहा मेरे बाप ने मैं कोलो अपनियां दुआवां कीतियां ना अपनियां हाजतां मंगियां ना अल्लाह को अकबर अल्लाह ते मैं खड़ोता रहा ना मेरा बाप इबादत करन तो बाद चला गया ना ते मैं कला रह गया ना ते मैं इस बुत दे लागे होके बह गया मैं दे नाल गल्लां करन लग पिया ना उही मंजर जिहड़ा हजरत कलीलुल्लाह ने ऐन करके बैबल दी बस्ती दे अंदर और नमरूद दे हकूमत दे अंदर जिहड़ा मेरे कलील दे नाल वाकया होया अज मक्के दी बस्ती अज मेरे नबी दा यार है ओ रब दा यार सी ए मेरे नबी दा यार है ओ कलीलुल्लाह सी ए मेरे नबी दा खलील है अल्लाह को अकबर अल्लाह वैसे ता नबी पाक ने फरमाया है लोगों सुन लो अगर मैं किसे नु खलील बनांदा अबू बकर नु बनांदा ना पर अल्लाह पाक ने मैनु खलील बनान तो मना कर दिता यारे गार अबू बकर मेरे नबी दा बेली अबू बकर रजी अल्लाह को ताला अनगो कहंदे ने मैं इस बुत दे कोल बह गया ना ते मैं हौले हौले करन लग पिया मैं कहन लगा ओ यार मैनू बड़ी भुख लगी है मैनू रोटी खिला देना आखिर तू साडा रब है मैनू रोटी खिला दे अबू बकर कहते ने मैनू क्या ना मैं भुख नाल बिलकता पिया वा मैनू रोटी खिला दे इन्हें मैनू कोई जवाब ना दिता ना ते थोड़ा जा टाइम गुजरिया ना मैनू आख्या ना मैनू नवा जोड़ा कपड़िया का लै दे मैनू कपड़े दे दे अबू बकर कहते ने इन्हें मैनू कोई जवाब ना दिता ना कहते ने मैं बड़ा सारा पत्थर चुक के लिया ना मैं लिया के इन्हू जोर के मारिया ना ये जमीन से डिग पिया कहते ने मैं उतो दौड़ गया ना मैं गैरुल्ला की पूजा जहालियत के दौर के अंदर भी नहीं की ना अल्लाह को अकबर अल्लाह हकदा मुतलाशी अबू बकर रदी अल्लाह को ताला को बयान करते ने एक दिन मैं ते जैद बिन अमर बिन
ਫੈਲ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਛੇਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੁਬੋ ਸੁਬੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਈਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸਲਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ੈਦ ਸੁਬੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੁਬੋ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੁਬੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਸਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਮਰ ਬਿਨ ਨੁਫੈਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਭਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਨਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁੱਲੂ ਦੀਨ ਯੌਮ ਅਲ ਕਿਆਮਾ ਇਲਾ ਮਾ ਕਦ ਅੱਲਾ ਇਲਾ ਮਾ ਕਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਦੀਨ ਚੰਗਾ ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਲਾ ਮਾ ਕਦ ਅੱਲਾ ਗੁਫਿਲ ਹਕੀਕਾ ਬੂਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਨ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਸਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੋਫਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੋਫਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਂਹਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਂਹਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਤਮੀਮ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤਾਲਾ ਅਨਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਬੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਨਬੀ ਬਾਗੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਵਰਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਮਾ ਯੰਤੀ ਕੁਨਿਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੁਲਕੇ ਅਧੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ
करम। बस इको गल तेन दस देना वा, वो ना तो जालम होएगा, ना जुलम का साथ देगा, ना जालमा ना सरगर्मिया दे विच शामिल होगा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हजरत अबू बकर कहते ने मैं लभन लग पिया ना, लभन लग पिया ते मैं शाम के अंदर चला गया ना तजारत वास्ते। एक दिन सुता होया शाम मैं एक ख्वाब वेख्या ना। हजरत अबू बकर बयान करते ने मैं बेदार होया ते मैं लभन लग पिया कोई बंदा मैनू मुहब्बर लभ जाए, ताबीर करने वाला लभ जाए जड़ा मेरे ख्वाब की ताबीर दसे ना। कहते ने मैं लभद्या लभद्या बखीरा राहत को चला गया ना, मैं उन्होंने जाके अपना ख्वाब सुना दिता ना। ते बकीरा राह मे तो पूछन लगा ना वो कितों आया है, मैं क्या मैं मक्के दे विचों आया वा। कहन लगा तेरे खानदान का नाम की है, मैं क्या मैं कुरैशी हाँ। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ते कहन लगा खुश हो जा खुश हो जा खुश हो जा, मैं क्या मैं कौन खुश हो जावा ना। कहन लगा अनकरीब एक नबी आन वाला है तुहाडे खानदान दे विचों, एक पैगंबर आन वाला है जिंदी जिंदगी चों अल्लाह तैनू उंदा वजीर बना देंगे। उंदे फौतों तो बाद अल्लाह तैनू उंदा खलीफा बना देंगे। जिंदगी चों वजीर ते फौतों तो बाद खलीफा बिला फसल रदी अल्लाह को ताला अनुखो। अजय सलाम कबूल नहीं होया, पहले ही बिशारत मिल रही। अजय सलाम नहीं कबूल किया। अबू बकर कहते ने मैं यमन तो वापस आया, नबी पाक नाल चूंके मेरिया दोस्तियां सन, नबी पाक नाल क्योंकि मेरा प्यार मुहब्बत सी, नबी पाक नाल मेरी मुहब्बत ते मेरिया मुलाकात नबी पाक नाल हो गई नाम। अदरों अल्लाह पाक ने मेरे नबी ते नबूता नादल फरमा दितिया नाम। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अबू बकर कहते ने मैनू नबी पाक बड़े प्यार नाल समझान लग पे। ओए अबू बकर ओए अब्दुल्ला सुन ले, अब्दुल्ला बिन उस्मान सुन लो सुन लो सुन लो। हजरत अबू बकर कहन लगे ना जी जी मेरे साथी मैनू बयान करो ना। आप फरमाते ने ओए अबू बकर मैनू अल्लाह पाक ने नबी बना दिता, मैं दीने हक लैके आ गया वा, मैं इस्लाम लैके आ गया वा। मैनू अल्लाह ने एको जा दीन दिता जेड़ा पहलिया दीना दी तस्दीक करता है, कयामत तक दी रहनुमाई करता है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ते आप अपने जोर दे के क्या नाम ओ अबू बकर मैनू उन्हें नबी बना दिता जेड़ा वाहदा गुला शरीक है, जिंदा शरीक ही कोई नहीं, जेड़ा मुश्किल कुशा भी है आज दरवा भी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अबू बकर कहते ने मैं नबी पाक नू क्योंकि जानता था, मैं नबी पाक दिया सिफतां तो वाकफ सा। अबू बकर ने सोचा नहीं, अबू बकर ने ये नहीं क्या मैं मशवरा कर लवा ना, फौरन कह अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सोनिया मम्मी गवाही देना, अल्लाह तो इलावा कोई बात दे लायक कोई नहीं, मम्मी गवाही देना वा अल्लाह ने तुहानू अपना सच्चा रसूल बना दिता गया। हाँ सी मेरा अबू बकर रजी अल्लाह को ताला अनु को। अबू बकर इस्लाम लेके आ गए। अबू बकर ने रदी अल्लाह को ताला अनु को कौन अबू बकर, अबू बकर नु अल्लाह ने बड़िया इशाना दितिया नाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह को ताला अनु को सतवीं पीढ़ी ते जाके यानी सतवीं नस्ल ते जाके मेरे नबी दा अबू बकर दा नसब ना मैं इको जांदा है। मुर्रा ते जाके आप ते अबू बकर दा नसब ना मैं इको जांदा है। हजरत अबू बकर दी वालदा दा नाम सलमा बिनते साकर, उन्हां दी कुनियत उम्मुल खैर रदी अल्लाह को ताला
ਤਾਲਾਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀਏ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਮ ਨਸਬਨਾਮਾ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਬੂਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਨਬੂਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਰਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਣਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਉਤਬਾ ਬਿਨ ਰਬੀ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੈਣੇ ਕਿਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਉਕਬਾ ਬਿਨ ਮੋਈਦ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੌੜੇ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੈਲਕੁਮ ਵੈਲਕੁਮ ਅਤਕਤੁਲੂਨਾ ਰਜੁਲਨ ਅਯਕੂਲਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਅਤਕਤੁਲੂਨਾ ਰਜੁਲਨ ਅਯਕੂਲਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਬਾਗ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵੱਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਬਾਗ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਗਾਲਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਵੀ ਰਾਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਵਧਿਆ ਅਤਕਤੁਲੂਨਾ ਰਜੁਲਨ ਅਯਕੂਲਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਬਦਰ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖੈਮਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਡੈ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਦਾ ਪਾਰਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪੈਸਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਪਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਐਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ते ना मारिया उत्तबा बिन भैया बेईमान सारे काफर कट्ठे हो गए अबू बकर कले इन्हें मेरे अबू बकर मारना शुरू कर दिता ते उत्तबा बिन भैया एन करके बार बार हजरत अबू बकर दे चेहरे ते मुक्के मारदा पिया सिर चो मुक्के मारदा पिया ए बेईमान बड़ा ही जंग जू सी इन्हें हजरत अबू बकर दे सिर चो इन्हें मुक्के मारे ना आपका सिर नरम हो गया ना चेहरा जख्मा दे नाल भर गया अल्लाह को अकबर अल्लाह अम्मा जी ऐसा बयान कर दी ने जो मेरे बाप नूं करे लिया गया ना आ सिर दे उत्ते जिहड़ा हाथ लांदे सन हजरत अबू बकर दे हाथ दे विच वाल आ जांदे सन इन्ना सिर नरम हो गया सिर दे वाल उतरने शुरू हो गए ना अल्लाह को अकबर अल्लाह खानदान वाले बैठे हुए ने सोचन लग पे अबू बकर ने कोनी बचना ना अबू बकर ने कोनी बचना ते खानदान वाले बैतुल्ला दे अंदर चले गए ना कहंदे ने ओए मक्के वालियो सुन लो जे साडा अबू बकर फौत हो गया ना असी उत्तबा बिन रबैया नु कतल कर देंगे असी इहदे टुकड़े टुकड़े कर देंगे अल्लाह को अकबर अल्लाह हुण इंतजार करन लग पे ना अबू बकर नु कदों हो जाणगे हकीम भी बैठा ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਪਰ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ ਉਮੇ ਖੈਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ अल्लाह को अकबर अल्लाह फिर रात दा टाइम है हजरत अबू बकर नु होश आ गए ना अम्मा जी आशा बयान कर दिया ने सब तो पहली जड़ी अबू बकर ने गल की थी कहंदा मा फाला रसूलुल्लाह नबी बाप दा की बनया अल्लाह दे पैगंबर दा की बनया अल्लाह को अकबर अल्लाह खानदान वाले ने सुनया इन्हें तौट दे नाल अपने नबी दा नाम ले आए असानू इंदी फिक्र पईए इनू अपने नबी दी फिक्र पईए सारा खानदान चला गया ना कल्ले रह गए मां कहंदी पुत्र आ हकीम दवाइयां दे के चला गया आ मेरे पुत्र आ दवाइयां खा लैना आ मेरे लाडले दवाइयां खा लै कुछ खा लै उत्तों दवाई पी लवी हजरत अबू बकर कहंदे ने मैनू अल्लाह दी कसम है मैं उत्ते अपने उत्ते दवाई हराम करना वा जब तक मैं आमिना दे लाल दा चेहरा नहीं वेख लैंदा जब तक मैं नबी पाक नू नहीं वेख लैंदा अल्लाह को अकबर अल्लाह मां ने उम्मे जमील नू बुलाया ना आन लगिया ओए उम्मे जमील तेरा भतीजा किथे आ तेरा भतीजा किथे आ उम्मे जमील कहन लगी ना मेरा भतीजा दारे अरकम दे अंदर मौजूद है अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर कहंदे ने मैनू मेरे नबी दे कोल लै चलो ना मैनू मेरे सोने दे कोल लै चलो ना मैं नबी पाक नू वेखना चाहना वा अबू बकर दा दिल की करदा होना है ओ दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं ओ सानू जग विच और कोई लभदा ही नहीं ओ मेरे सोने दी जबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं अबू बकर कहंदा जब तक मुस्तफा दा चेहरा नज़र नहीं आएगा कुछ खाना पीना ते मां कहन लगी हुण की करा उम्मे जमील कहंदी मेरी बांदी तां नहीं चल मैं तैनू लै चलनी उम्मे जमील अबू लाभ दी बीवी सी ना अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी दे कोल लै गईयां ना दारे अरकम दे अंदर लै गईयां ना ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੇ ਜਮੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੋ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੂਸਰੇ ਮਨੋ ਉਮੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ
मेरे सिद्दीक दिया नजर पम कह लगे थोड़े चेहरे वेख के सारे दुखी मुगे ने थोड़े चेहरे वेख के सारिया तकरीफा ही दूर हो गई ने ते मेरे नबी रोन लग पे आप दियां अखां चो आंसू आ गए आपने अबू बकर नू करीब करके अबू बकर दे मत्थे उत्ते बोसा दिता नाम अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अबू बकर ली दुआवां कर दितियां नाम अबू बकर कहन लगे नाम सोने मेरी एक ख्वाहिश है मेरी एक ख्वाहिश है आप फरमांदे ने अबू बकर केड़ी ख्वाहिश है कहन लगे सोने मेरी वालदा मेरे नाल आईया ने मेरी अम्मी मेरे नाल आईया ने सोने मेरा दिल नहीं करदा कयामत दा दिन होवे मेरी मां जहन्नम दे अंदर सड़े मेरा दिल नहीं करदा मेरी मां नू जहन्नम दे अंदर साड़िया जाए महबूबा दुआई कर दियो ना अल्लाह मेरी मां नू सलाम दी दौलत नाल मालामाल कर दे आपने अन करके हाथ चुक दिते ना अल्लाह सोने अबू बकर दी वालदा सलमा बिनते सहर नू इस्लाम दी दौलत नाल मालामाल कर दे और दुआवां करन वाला मुहम्मद होवे फिर अल्लाह क्यों ना कबूल करन मेरा नबी आसमाना नू वेख के ते रब किबले बदल देंदा है मेरा नबी दुआवां करे ते अल्लाह दी कसम कबूल हो जांदियां ने अल्लाह को अकबर अल्लाह अजे मां उठी कोई नहीं अजे मां उत्ते ही बैठी है मां कहंदी है अबू बकर गवाह हो जाना अबू बकर गवाह हो जाना अशहादु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहादु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अबू बकर मैं गवाहियां देनिया अल्लाह ने तेरे यार मुहम्मद नू अपना सच्चा नबी बना दिता गया दारे अरकम चु ही मुसलमान हो गई नाम आ मेरा अबू बकर कौन अबू बकर मुसलमान होए नाम इस्लाम दी खातर अपना माल खर्च किया कौन अबू बकर जिन्हें उम्मे उबैस नू खरीद के आजाद किया कौन अबू बकर जिन्हें बिलाले हबशी नू खरीद के आजाद किया कौन अबू बकर जिन्हें आमर बिन फकीरा नू खरीद के आजाद किया कौन अबू बकर जिन्हें जुनैरा नू खरीद के आजाद किया अल्लाह को अकबर अल्लाह मक्के वाले ने हजरत ते जुनैरा ते बड़े जुल्म कीते ना इन्ने जुल्म कीते हजरत ते जुनैरा दियां अखां खत्म हो गईयां ना ते ताने मारन लग पे बोलियां मारन लग पे ओए जुनैरा तू साडे रब्बा नू छड्या है साडे रब्बा ने तैनू अखों अन्या कर दित्ता है जुनैरा मुसलमान होईयां इन्हां मार मार के बेईमाना इन्ना मारिया हजरत जुनैरा नू के जनाब जुनैरा दियां अखां खत्म हो गईयां ते ताने देन लग पे कहंदे ने जुनैरा आ साडे रब्बा नू छड्या ही अखां दी बिनाई खत्म हो गई ते जुनैरा कहंदियां ने ओ सुन लो ध्यान दे नाल अम्मा जी जुनैरा कहंदियां ने आ तुहाडे लात मना ते उजा ए मैनू कुछ भी नहीं कर सकदे अखां देनियां भी रब दे वाचों ने अखां लैणियां भी रब दे वाचों ने जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हुंदा ना ओ अल्लाह तो अलावा कौन मार सकदा ओए अल्लाह बाजू कोई मारदा नहीं ओए कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं ओए कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं ओ सब नबी वली लाचार नी एक दिन मर जाना ओ जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओ छड गैरां दा तू पल्ला नी ओए बस आंदे ते रख लानी और तेरा खो जाऊ बेड़ा पार नी एक दिन मर जाना और रब गुल मंगया कर आदर जुनैरा ने रब नाल यारियां लाइया सन आदर जुनैरा ने रब नाल प्यार पाए सन आदर रब नू मनिया सी ओ अल्लाह अपने बेलियां दियां कंडा नहीं लगन देंदा अल्लाह अपने यारां नू रसवा नहीं होन देंदा अल्लाह अपने बेलियां नू जलील नहीं होन देंदा अल्लाह
आपदे को मंगन वाले हाली नहीं मोड़िया करता। सुनहरा कह लगी या अल्लाह पहले गल और सी हूं गल और या अल्लाह हूं तेरा मामला आ गया ही या अल्लाह कदी भी अखा ना मंगती या अल्लाह मैनू अखा की कांदी लोड़ पर अल्लाह सोने हूं तो ईदा मामला आ गया ही हूं इस्लाम का मामला आ गया ही हूं तेरे दीन का मामला आ गया ही अल्लाह सोने मैं दुआ करनी हाँ मेरी अखा सही फरमा दे। इधरों सुनहरा ने दुआ की थी इधरों मेरे रब ने अक्खां सही फरमा दित्तियां ते खबरां मेरे सिद्दीक तक पहुंचियां। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए नाम कहंदे ने मैं ज़ुनैरा नूं खरीदांगा। हज़रत अबू बकर ने हज़रत ज़ुनैरा नूं खरीदिया आज़ाद कर दिता नाम। कौन अबू बकर? हज़रत नहद नूं खरीदन वाला हज़रत अबू बकर आज़ाद करने वाला इन्हां दी बेटी नूं आज़ाद करने वाला अबू बकर। अल्लाह अकबर अल्लाह और बड़े गुलाम आजाद किए नाम ते प्यो एक दिन कह लगा नाम कहता यार अबू बकर मैं वेखता प्याव तू मुसलमान खरीद खरीद के आजाद की जाना है तू माड़े माड़े मुसलमान खरीदता प्याम तू ऐ करना तगड़े बंदे खरीद के आजाद करना कल नू कोई गल बनेगी तेरे पिछे खड़े हो गए। अबू बकर कह लगे नाम अब्बा जान मैं अपने जाति मुफाद वास्ते आजाद नहीं करता प्यान अब्बा जान इन्हां कोल मैनू कहदा मुतालबा अब्बा जान मैं आजाद करता प्याव ते अल्लाह दी खातर आजाद करता प्याव। अयो गल हजरत बिलाल ने कही सी ना बिलाल जा रहे ने नबी पाक फौत हो गए ना ते किसी ने आखिया अबू बकर हालात नू कंट्रोल कर बिलाल जंगलों वाले जा रही ते पिछे दौड़ के जाके बिलाल नू फड़िया ओए बिलाल किधर मैं मदीना छड़ के जा रहा हूं। हज़रत अबू बकर कह लगे बिलाल सानू छड़ के ना जा। बिलाल कहंदे अबू बकर मैनू दस तू मैनू खरीद के अपनी खातर आजाद किया सी ते अल्लाह दी खातर। अबू बकर कह लगे हज़रत बिलाल मैं तुहानू रब दी खातर आजाद किया सी। कह लगे फिर मैं आजाद बंदा जिथे चाहवां जा सकना वा। मालूम होंदा अबू बकर ने किंदी खातर आजाद किया। असी तो 10 रुपये दे के जनाब सोचने मौलवी जब तक साढ़े बारे कोई गल ना करे तो असी जनाब साढ़े पैसे ही पूरे नहीं होंगे। अल्लाह की खातर मामले रखिया करो रब की खातर जरा मामला किया हो चाहे वह थोड़ा ही हो अल्लाह कबूल फरमा के तेन मगफरत ते निजात का जरिया बना देते हैं। अल्लाह सानू आपकी खातर कुछ करन दी तौफीक अता फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दावती मिशन चो मेरे नबी दे साथी बन गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दावती मिशन चो मेरे नबी दे बेली बन गए। कौन कौन बंदा मुसलमान होया? हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर दी दावत से मुसलमान होए ना। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम दा पहला शहीद हज़रत अबू बकर दी दावत से मुसलमान होया ना। कौन बंदा मुसलमान होया? अब्दुल रहमान बिन दावत से मुसलमान हुए नाम अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर दी दावत से मुसलमान होए नाम। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अबू बकर दी दावत ते मुसलमान होए नाम। अरकम बिन अबी अरकम अबू बकर दी दावत ते मुसलमान होए नाम। हज़रत तला बिन उबैदुल्लाह हज़रत अबू बकर दी दावत ते मुसलमान होए नाम। मेरे नबी दे बां बेली बन गए मेरे नबी दे साथी बन गए। अल्लाह अकबर अल्लाह और जानते होना रूमियां ते रानियां दी जंग लगी हुंदी ਜੀਮ
यानी कैसरो ते किसरा आपस दे अंदर जंगा लगिया हुंदियां सन। दुनिया उत्ते दो बंदे जनाब सुपर पावर होण दा दावा करदे सन, एक रूम सी दूसरा ईरान सी। जिवें जनाब अज अमरीका ते रूस दी जंग लगी रहिंदी ऐ, एवें ही सेम सी। एक बंदा कहिंदा कैसर कहिंदा सी जनाब सुपर पावर आ, किसरा कहिंदे ने असी सुपर पावर आ। अल्लाह को अकबर अल्लाह, इन्हां दी जंग हो गई ना। ईरानी अग दे पुजारी रूमी अहले किताब, रूमी अहले किताब यानी के हजरत हजरत अहले किताब सन, ईसा अलैहि सलाम दे मनन वाले सन, ईसाई सन। अल्लाह को अकबर अल्लाह, रूमिया दे नाल मुसलमाना दियां हमदर्दियां, ईरानिया दे नाल मक्के दे मुशरका दियां हमदर्दियां। हालात ने पलटा मारिया, ईरानी जनाब रूमिया दे उत्ते काबज हो गए ना, बड़ा इलाका फतह कर लिया ना, थोड़ा जा इलाका रूमिया दे कोल रह गया ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह, ओए गौर करी मेरे वीरा, इन्हां काफरां ने मक्के दे मुशरका ने मुसलमाना नूं ताने दिते ना। कहंदे ने वेख्या जे असी जनाब फाते हो गए, तुहाडे आले किताब नूं रगड़ के रख दिता, तुहाडे आले किताब नूं कुचल के रख दिता है। अल्लाह को अकबर अल्लाह, अल्लाह पाक ने कुरान बना के मेरे मुहम्मद ते नाज़िल कर दिता ना। जा सूरा रूम पढ़ के वेख ले, अलिफ लाम मीम हुरी बातिर रूम फी अदनल अर्ज। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां नूं दस दियो ना, अज रूम मगलूब हो गया पर एक वेला आने वाला है। अल्लाह पाक फरमांदे ने वहुम मिम बादी गलबिहिम सायग सायग लबून। अल्लाह फरमांदे और सुन लो मक्के दे मुशरको, अन करीबे को जावे लान वाला, असी रूमिया नूं फतह अता फरमा देवांगे। अल्लाह फरमांदे ने अज ते मगलूब ने ना, वहुम मिम बादी गाला भी हिम सायग लबून फी बिजिन फी बिजिन भी। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी अन करीब ना इन्हां नूं फतह अता फरमा देवांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते जदों ऐत नाज़िल हुई ना, अबू जाल दौड़दा दौड़दा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कोल आ गया, कहिंदा अज तेरे नबी ने बड़ी अजीब गल कीती है। अबू बकर कहिंदे ने किहो जी अजीब? कहिंदा ए जनाब ना, कहिंदा अज जिहड़े रूमी मगलूब हो गए ने, अज जिहड़े रूमी शिकस्त खा गए ने, तुहाडा कुरान कहिंदा कि वेला आएगा दोबारा ये फाते बन के दाखिल हो जाएंगे। कहिंदा किवें हो सकता है? वेख्या नहीं उन्हें मार मार के रूमिया की तबाही ला दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक को बार बार आंदा सी, इस करके तो अल्लाह ने सिद्दीक नूं सिद्दीक किया सी ना। नबी पाक मेराज ते गए, ये जनाब ना नबी पाक नाल मिलिया, कहिंदा अज कोई नवी गल आ फरमांदे, राती मैं इत्थे सां, रातों रात गया मैं जनाब ओ फलस्तीन दे अंदर बैतुल मकदस वेख्या, मैं आसमाना ते गया जन्नत जहन्नम वेख्या। कहिंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिहड़ी गल तू मेरे मूँह ते कीती है, अगर मैं चार बंदे कट्ठे कर लियावां ते गल करेंगा। आप फरमाते ने चाहे पूरा मक्का कट्ठा कर लें, मैं मुहम्मद यो ही गल करांगा। पर जा गया सिद्दीक कोल चला गया, कहिंदा अबू बकर एक गल करनी। कहिंदा की गल है? कहिंदा गल आ कि तेरा बेली एहो एक अगर कोई बंदा कवे कि मैं जनाब रात नूं इत्थे सां, फिर मैं रातों रात गया बैतुल मकदस फलस्तीन अंदर, मैं वह मस्जिद अक्सा वेखी, उस तो बाद मैं आसमाना ते गया, मैं जन्नत की सैर की, जन्म की सैर की, मैं सत्ते समान फिर के आया, क्या तू मान लवेगा? अबू बकर कहते ने दस गल किने की? कहता तेरा यार मुहम्मद कहता पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर कहते ने सुन ले, इन काला जालिका फकद सदा का, सुन ले अगर मेरे मुहम्मद ने क्या थे हक ते सच ही किया है, मैं गवाही देना मेरा मुहम्मद गया है, मैं गवाही देना आप सहरा करके आए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इसे करके रब कहता सी वल्लदी जा बि सिदकी व सत्ता का भी ही। अल्लाह फरमान दे मेरा नबी जड़ी गल लैके आया मेरे अबू बकर ने उन्हें मन के विखा दिता है। इधर वेखो ना आखिरी गल सुन लो, कहन लगा अबू बकर कहन जो सकता है? अबू बकर कहन लगे अबू जान हो सकता है? कहंदा शर्त ला ले। अबू बकर नूं कहंदा शर्त? उदो शर्त जे आराम नहीं हुई सी, हुण शर्त लावना हराम। उदो शर्त लावना हराम नहीं सी,
ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ ਸੌਂਟ ਸੌਂਟ ਅਗਰ ਐਰਾਨ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਂਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁੱਦਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਮੁੱਦਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨਾ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਮੁੱਦਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਰੂਮ ਫਾਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਐਰਾਨ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਐਰਾਨ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਖੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਫਾਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸੌਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਐਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿਹਾਬਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਡਾਚੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲਾ ਤਾਜਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਕਬੂਲ ਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز جلسے کانفرنس محفل حمد و نعت سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں حفیظ اسلامک سنٹر نام ہے اعتماد کا